हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पे, इंडिया के नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं आपका मैथ्स गुरु यानी कि प्रबल लवानिया सर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आज की धमाकेदार शॉर्ट ट्रिक लेकर, जो कि आपकी है एलजेब्रा के ऊपर बेस। आज मैं एलजेब्रा के बहुत शानदार, ताबड़तोड़ और बेहतरीन क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत बेहतरीन दो क्वेश्चन, मतलब कहीं ना कहीं उन क्वेश्चन को देख के अगर वो एग्जाम में आते हैं तो आपके लिए बहुत टाइम टेकिंग होगा और शायद आपको हैरान और परेशान भी कर दें वो क्वेश्चन कि सर क्या करा जाए, कैसे इस क्वेश्चन को तोड़ा जाए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं, चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ एलजेब्रा के, जो कि हमारा ये है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले दिया हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू 21/256, यही लिखा हुआ है। आगे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/16 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बात ये आएगी कि सर वैल्यू पुट करके देखें क्या, कैसे पुट कर लोगे, कौन सी वैल्यू पुट करोगे मेरे को बताओ। आप नहीं कर सकते। आप इसमें एक चीज़ पे गौर कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा भी देख पा रहे होंगे, ये जो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 है, ये एक्चुअल में दो फैक्टर का कॉम्बिनेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा, ये पूरा फैक्टर। तो बेसिकली अगर बात को समझना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 3/16 है और ये इक्वल टू 21/256 है, तो इस वाले पार्ट को कितना होना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को अगर आप लेके चलते हो तो ये वाला पार्ट कितना होगा। देखो 21 है, ये 3 है, तो 3 7 21, तो ऊपर 7 आ गया। 16 का 16 में मल्टीप्लाई करते हैं तब 256 आता है, मतलब ये 16 हो गया। तो ये वाला पार्ट आपको मिल गया 3/16, ये वाला पार्ट मिल गया 7/16। आपको निकालना है 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों को, ये दोनों जो फैक्टर है इनकी वैल्यूज को ऐड कर देता हूं तो आपको दिख रहा है एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड आगे मिल जाएगा 3/16 प्लस 7/16 यानी कि 10/16 और 10/16 का मतलब है 5/8, मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्लियर हुआ भाई? ये जो लिखा हुआ है ना, इसके दो फैक्टर है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के दो फैक्टर कौन कौन से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जिसमें से एक की वैल्यू 3/16 है तो दूसरी कितनी होगी, ऊपर 21 है तो 3 7 21, मतलब ये 7 आ गया। 16 × 16 256, तो ये 16 है तो ये भी 16 हो गया। ठीक है, अगर आप इन दोनों फैक्टर को ऐड कर देते हो तो वैल्यूज तो ऐड होंगी लेकिन ये दोनों फैक्टर भी ऐड होंगे, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऐड करेंगे तो 10/16 यानी कि 5/8 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये बहुत बड़ी ट्रिक है, आपको कोई फॉर्मूले की या किसी चीज़ की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर वैल्यू पुटिंग आप नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको भी पता है कि कौन सी वैल्यू रखोगे कि 21/256 सेटिस्फाई कर जाए, नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर 5/8 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर, ए बी सी आपके नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। देखने में थोड़ा खतरनाक टाइप का है कि पता नहीं क्या होगा, बट ईजी है। एक चीज पर गौर करना, प्लस लगा हुआ है और प्लस के आगे दो वेरिएबल दिख रहे हैं मेरे को, कौन कौन से, ए और बी। इसका मतलब एक चीज पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है कि ए और बी प्लस तभी होंगे जब ए और बी खुद भी पॉजिटिव होंगे। ये हो गया, सी की वजह से यहाँ पे माइनस आया, फिर सी की वजह से माइनस आया, मतलब सी नेगेटिव है तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी। या फिर इसका एक प्री स्टेप आप लेना चाहो तो ये ले सकते हो, ए प्लस बी तो पॉजिटिव है, सी आपका नेगेटिव है और इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। ठीक है, तो ए प्लस बी इक्वल टू आपको कितना मिल गया यहाँ पे, सी।
अगर मैं ए प्लस बी की जगह सी रख देता हूँ, यहाँ पे देखो ए प्लस बी की जगह सी रख दिया, यहाँ भी ए प्लस बी की जगह सी रख दिया, तो कितना हो जाएगा, फोर टाइम्स ऑफ सी प्लस सी प्लस सी अपॉन सी, तो ये टू सी इंटू फोर एट सी प्लस सी अपॉन सी, तो नाइन सी अपॉन सी आंसर विल बी नाइन, तो नाइन विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की बात है कि क्वेश्चन में आप कितना दिमाग लगा पाते हो। टू ए बी से पहले प्लस लगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी एक ऐसे वेरिएबल हैं जो पॉजिटिव का काम करेंगे, सी के आने की वजह से नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब सी आपका नेगेटिव होगा, सी सामने आएगा, तो ए प्लस बी की जगह आपको सी पुट करना है, तो सी प्लस सी टू सी, फोर टाइम्स ऑफ टू सी हो जाएगा एट सी प्लस सी नाइन सी, नाइन सी अपॉन सी, सी से सी कैंसिल, मतलब नाइन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको समझ में आया हो, मज़ा आया सेशन में, तो बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा और सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा अगर सेशन अच्छा लगा। इन केस तो 9:15 बजे अनएकेडमी पे सीएचएसएल की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, अगर आपका सीएचएसएल का एग्जाम है या एनटीपीसी का, तो अनएकेडमी पे ये फ्री सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, प्रैक्टिस सीरीज जिसमें 8,000 से ज़्यादा विद्यार्थी अभी तक मेरे को फॉलो कर चुके हैं। आप भी अनएकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, गोल सेलेक्ट करिए, एसएससी सर्च करिए प्रबल लवानिया और तुरंत मेरे को फॉलो करिए। सीएचएसएल का और सीजीएल का एक रनिंग बैच है जो कि रैंकिंग बैच के नाम से अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें 5 पार्ट एलजेब्रा के हो चुके हैं, 6वां पार्ट आज स्टार्ट होगा वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। ठीक है, ये मेरे यूट्यूब का शेड्यूल है, इसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हो। अनएकेडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप अनएकेडमी पे लेते हो, तो उसके लिए आपको कोड यूज़ करना है प्रबल सर, ये मेरा कोड है, और इस कोड को यूज़ करने से आपको अभी करेंट में आपको 2 बैचेस लाइव मिलेंगे। ठीक है, अगर आप प्रबल सर कोड यूज़ करते हो तो 2 बैचेस आपको पर्टिकुलर लाइव मिलेंगे, एक सीटी का और एक एडवांस मैथ का, एडवांस मैथ का जिसमें मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और एलजेब्रा तीनों आपको डिटेल में पेड के हिसाब से पढ़ने को मिलेगा। अनएकेडमी पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जैसे मेरी ये 2 लाइव क्लास आप प्रॉपर देख पाओ, और सीईटी का ये बैच है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड प्रबल सर। बाकी अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू यार।